तो फ्रेंड्स, बॉलीवुड के चॉकलेटी स्टार कार्तिक आर्यन, जिन्होंने प्यार का पंचनामा मूवी से बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई और जिनकी एक्टिंग स्किल्स को बॉलीवुड में काफी सराहा गया है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन की साल 2022 में भूल भुलैया 2 और धमाका जैसी मूवीज रिलीज होने वाली है, जिसमें कार्तिक आर्यन ने जोरदार एक्टिंग करी है। हाल ही में कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अपडेट किया है कि वो अपनी रुकी हुई मूवी फ्रेडी की शूटिंग दोबारा स्टार्ट कर चुके हैं। आपको बता दें कि फ्रेडी मूवी में कार्तिक आर्यन के साथ आलिया फर्नीचर वाला दिखाई देने वाली है, जो की पूजा बेदी और कबीर बेदी की बेटी है, और उनका कार्तिक आर्यन के साथ में बॉलीवुड में ये पहला डेब्यू होगा। इस मूवी को एकता कपूर का बालाजी प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। आपको बता दें कि फ्रेडी मूवी एक डार्क थ्रिलर रोमांटिक मूवी है, जो कि बहुत ही सस्पेंस से भरी हुई होगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं डायरेक्टर शशांक घोष, जिन्होंने वीरे दी वेडिंग जैसी सुपरहिट मूवी डायरेक्ट कर चुकी है। शशांक घोष ने फ्रेडी मूवी के सीन्स को बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ है। उनका ये कहना है कि इस मूवी में जो भी सीन्स हमने दर्शाए हैं वो बिल्कुल हॉलीवुड की तर्ज पर दर्शाए हुए हैं। इनमें जो लाइटिंग की गई है वो बहुत ही डिफरेंट है, जो बॉलीवुड में पहले की थ्रिलर मूवी से काफी डिफरेंट होगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आलिया एफ और कार्तिक आर्यन की जोड़ी फ्रेडी मूवी में किस तरीके की दिखाई देती है। क्या शशांक घोष का डायरेक्शन इस मूवी को सुपर डुपर हिट बना पाएगा या नहीं, ये तो पता चलेगा फिल्म का फर्स्ट लुक आने के बाद में ही। तब तक आप हमारे चैनल फिल्मी फाट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बॉलीवुड की अपकमिंग मूवीज की अपडेट्स अपने चैनल पर सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।